घटना उत्तरी इसराइल के माउंट मैरून की है, जहां लोग लाग बोमर नाम के त्यौहार को मनाने आए थे। इस त्यौहार में वे दूसरी सदी के संत रब्बी शिमोन बार योचाई की मरण तिथि पर पारंपरिक अलाव जलाकर नाचते गाते हैं। इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद लोग वहां से जाने लगे। बाहर निकलने वाले रास्ते पर ढलान में सीढ़ियाँ बनी हुई थी और भारी भीड़ होने के कारण लोगों को उतरते समय अपने पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण कुछ लोग सीढ़ियों से गिर गए। कुछ लोगों के गिरने के बाद सभी लोग सीढ़ियों से गिरने लगे और जो नहीं गिरे वो गिरे हुए लोगों के ऊपर से चढ़कर जाने लगे। इस घटना के तुरंत बाद सेना ने अपने 6 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इस घटना में 45 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर हालत में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर किसी से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है।